अगला और आखिरी टॉपिक, सुटेबल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स फॉर स्टडीइंग रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इस्तेमाल करके रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का आसान तरीका, ठीक है, आसान वजीफा। इसके ऊपर मैं एक और बात बताता चलूं, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, घुमा के आ सकता है, किसी और क्वेश्चन के साथ लिंक हो के आ सकता है, मतलब नॉलेज तो हो ना आपको इस बात का कि अगर आ जाए तो आप क्या करोगे। सिंपल तरीका है, आपने सिर्फ लिखना है, एक दफा आप लिखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब इंशाल्लाह मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो प्लीज स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। जब आपने नोट करना है और कुछ भी नहीं करना। आगे चलें, इसको लिखें। कीप इन माइंड कि ये कलरी मीटर है, दिस इज अ कलरी मीटर, ठीक है, ये कैलरी मीटर नहीं है, कलरी मीटर। एग्जामिनर रिपोर्ट में अगर आप देखें तो बहुत जगह एग्जामिनर ने लिखा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैलोरी मीटर लिखना होता है, वो कैलोरी मीटर लिखते थे, तो ये कैलोरी मीटर है। स्पेलिंग से भी अंदाजा हो रहा है कि COLOR लिखो, कैलोरी मीटर। इसको सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना। लिखें एक दफा, आपको ये खुद क्लियर हो जाना है। अच्छा, आई थिंक एक चीज मुझे आपके साथ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो मिस हुई भी है, उसको नोट कर लें, फिर साथ लिखते हैं। साथ लिखना है, सिर्फ लिखना है, क्लास में ज्यादा बोल मैं नहीं सका, मौसम चेंज हो रहा है, जरा तबीयत गला डाउन है। अच्छा जी, आपने अगर ये लिख लिया है तो मैं आप जरा अच्छा जी लिख लिया आपने, आगे लिखें। ऑप्शन वन, ये प्रेजेंटेशन बनाने में चीज मिस हो गई थी, तो अब साथ साथ लिख रहे हैं।
अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ कंटिन्यू करने के लिए। पिछली चीज आगे कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। मूविंग ऑन, लिखिए आप नई स्लाइड्स दो। ऑप्शन टू, जी तो अभी देखो ऑप्शन टू में हमने ये बात कर दी, ठीक है। तो आप ग्राफ बनाओगे और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। टेंजेंट आप टाइम जीरो पर बनाओगे, टाइम जीरो यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे, सॉरी स्केल नहीं है ना मेरा, फिर ये होगा। टेंजेंट आप यहाँ पे ऐसे करके जब बनाते हो, ये यहाँ पे, ठीक है। तो आप जो हो बाकी की हाफ लाइफ करके ऑर्डर फो करके काम अपना कर लेते हो, ठीक है। सो ये आपने देखा, ठीक हो गया। स्टार्ट ऑफ द कर्व में टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। क्यों? टू फाइंड दी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह एच पॉजिटिव आई टू कीटोन थ्री लोगे
फोल्ड हो गए। कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोल पर डीएम, 2 मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोल पर डीएम। ठीक है, तो इस तरह चेंजेस वगैरह बना के रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड कर लोगे। ठीक, अच्छा, तो ये जो मैंने सूटेबल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स फॉर स्टडीइंग रेट ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन जो है ये करवाया है, इसमें ये याद रखेंगे आपकी जो बुक में मेथड्स फॉर फॉलोइंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन के नाम पे एक टेबल बना हुआ है, उसमें ये 2 पेजेस पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो उसमें ये है कि देखिएगा कि पहला मेथड जो है वो एक है सैम्पलिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि आप जो है ना वो रिएक्शन मिक्सचर में से एट वेरियस इंटरवल्स ऑफ टाइम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सैंपल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो और उससे जो है वो आप उसका रिएक्शन करके देखते रहते हैं कि यार रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। दूसरा मेथड जो होता है वो कंटिन्यूस है, उसमें आप डिफरेंट मेथड हैं, फॉर एग्जाम्पल आप या तो कलर चेंज मेजर करेंगे, वो मैंने कलरीमीटर का भी आपको बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा आप जो हैं वो अगर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें आप गैस वॉल्यूम और गैस प्रेशर जो चेंज हो रहा है वो मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो एक और मेथड ये होता है कि वो डायलेटोमीटर लगा के चेंजेस इन स्मॉल चेंजेस इन वॉल्यूम को भी मेजर करते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है, उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। तो ये जो था वो ये थोड़ा सा आपके पास मेथड्स फॉर फॉलोइंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन थे, और दिस वाज इट फॉर ये। और अगली वीडियो में आप ये रिएक्शन काइनेटिक्स का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिर्दोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।